हम लोगों ने एक होली तो अभी दो दिन पहले मनाई है, पर सही मायनों में हम लोग होली मनाएंगे 4 जून को, जब 40 की 40 सीटें बिहार से हम लोग जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। ये 80 और 20 की लड़ाई है साथियों। 80 तरफ एक तरफ लोग हैं और एक तरफ लालू प्रसाद जी हैं, जिनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने किसको आरक्षण दिया, कहा कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि दूसरा जो मेरा बेटा है, ये खेल में खेल नहीं पाता है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन पानी ढोने का काम कर रहा है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर दूसरे बेटा को कहा कि मेरा बेटा जो है, ये हरे राम कृष्णा हरे राम करता है, अब इसको मंत्री बना दो। अब 2 बेटी को लाया। एक बेटी जब राम कृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया था, तो एक बेटी को लाने का काम किया। अब दूसरी बेटी को भी इस बार छपरा से लाने का काम किया। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के किसी गरीब को आरक्षण नहीं दिया, ना दलित को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव में एनडीए अपनी मजबूत गठबंधन के साथ प्रत्याशियों की हर कदम पर साथ साथ नजर आ रही है। और इसी बीच गया संसदीय क्षेत्र से जीताराम मांझी के नामांकन के मौके पर पूरा एनडीए एकजुट दिखा है। और नामांकन के बाद जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में कहा, इस बार 400 पार और बिहार के 40 में 40 सीट हम एनडीए प्रत्याशी जीतने में सफल हो पाएंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी चिराग पासवान क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया और कहा कि 530 में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 530 में 529 संकल्प को पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 99% संकल्प को पूरा करने का काम किया है सर। और साथियों, ये सोचिए, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी टेंट से निकाल कर भव्य राम मंदिर में ले जाए। जब आपने 2019 में बिहार की जनता ने 40 में 39 सीट देने का काम किया, तो 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया साथियों। और आज 2024 के 22 जनवरी को आपने देखा जिस तरह इस देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, हमारी बहनों को आगे लाने का काम किया। पक्का मकान जब गृह प्रवेश कर रही थी हमारी बहनें, तो 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम को भी स्थापित करने का काम किया साथियों। यह है कमिटमेंट और यह है गारंटी, गारंटी के साथ विकास करना। और आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा, इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो गरीबों की चिंता करता हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ऐसी सरकार है जिन्होंने गरीबों की चिंता किया। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, हाथ उठाइए जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है साथियों, आप 5 किलो अनाज जरूर मिल रहा है। और आपको गारंटी है 5 लाख तक का इलाज भी हम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपका करने का काम कर रही है साथियों। ये है कमिटमेंट के साथ बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभी साथियों से, सभी बिहार के आम लोगों से, ये 80 और 20 की लड़ाई है साथियों। 80 तरफ एक तरफ लोग हैं और एक तरफ लालू प्रसाद जी हैं, जिनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने किसको आरक्षण दिया, कहा कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी है, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि दूसरा जो मेरा बेटा है, ये खेल में खेल नहीं पाता है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन पानी ढोने का काम कर रहा है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर दूसरे बेटा को कहा,
कि मेरा बेटा जो है ये हरे राम करता है, अब इसको मंत्री बना दो। अब दो बेटी को लाया, एक बेटी जब रामकृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया था तो एक बेटी को लाने का काम किया, अब दूसरी बेटी को भी इस बार छपड़ा से लाने का काम किया। इसलिए गरीब साथियों, मैं इतना आग्रह करने आया हूँ आपसे, लालू प्रसाद जी ने 15 साल के राज में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के किसी गरीब को आरक्षण नहीं दिया, ना दलित को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आप लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी को देने का काम कीजिए, तभी देश के प्रधानमंत्री जी को एक नारा दीजिए, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। इसलिए साथियों, फिर आग्रह करते हुए एक एक वोट आदरणीय जीतनराम मांझी जी को देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बनाने का काम कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है और अगले 5 सालों में इसको तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। यह अर्थव्यवस्था सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि हर गरीब परिवार पर असर डालने के लिए इसका मजबूत होना जरूरी है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उस राज्य का राजस्व बढ़ता है, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, एक गरीब परिवार की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और वो गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने लगता है। और इसी सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब परिवार की हर समस्या का उन्होंने समाधान करने का उन्होंने प्रयास किया। महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना लेकर आए तो हर गरीब व्यक्ति अपना मुफ्त में इलाज करा सके, आयुष्मान योजना को वो लेकर आए। जहां एक तरफ उन्होंने सड़क से भारत की रक्षा की तो वहीं अंतरिक्ष से भी भारत कैसे मजबूत हो, इस क्षेत्र का भी उन्होंने ध्यान रखा। ये सोच है हमारे प्रधानमंत्री की कि हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसे मुख्य धारा के साथ जुड़े। और हम बिहारियों के लिए तो और ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में मौजूदा प्रधानमंत्री को और मजबूत करना। बिहार में एक लंबे समय के बाद डबल इंजन की सरकार मिली है, जहां देश में मजबूती से एनडीए सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो उतनी ही मजबूती से बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद हैं, चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं, याद आता है मुझे 2019 में, जब 2019 में मात्र हम 3 दल थे पर 3 दलों ने भी 40 में से 39 सीटें हासिल की, पर आज 2024 में हमारे साथ 2 और मजबूत दल जुड़े हैं, एक जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष मेरे अभिभावक आदरणीय जीतनराम मांझी जी, उनका हमारे दल में आना गठबंधन को और मजबूती देता है। वही साथ में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का हमारे गठबंधन में आना गठबंधन को और मजबूती देता है और ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में 4 जून को हम लोगों ने एक होली तो अभी 2 दिन पहले मनाई है पर सही मायनों में हम लोग होली मनाएंगे 4 जून को, जब 40 की 40 सीटें बिहार से हम लोग जीत कर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। साथियों, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में आप सब पूरे परिवार। तो अभी आपने सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों को सुना है। दोनों लोगों ने पूरे मजबूती के साथ गरजते हुए साफ साफ कहा है कि इस बार बिहार के 40 में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं और देश में 400 पार एनडीए का जो नारा है उसमें हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। साथ ही साथ जीतनराम मांझी की भारी बहुमत से जीत का दावा भी किया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।